उस फरहाद को हिंदी में लिखने को किसने बोला? इडियट कहीं का। अब पेपर में ही घूरते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ बोल दे ना। फरहाद ने पढ़कर तो सुनाया था, क्या था वो? हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखा है, सुनेगा? इरशाद। भूल से भूल गई, तू मेरे को भूल, मैं तेरे को भूल, सबको भूल, अम्मा भूल, भूल भूल। सही बोला ना मैंने? पागल हो गए हो क्या? ये क्या भूल भुलैया गा रहे हो? अपना दिमाग कहीं भूल गए हो क्या? अरे वो मैं तुम्हारे लिए शायरी लिखा था, मतलब ఒక్కసారి నా మాట వింటావా? దయచేసి నన్ను తప్పుగా అనుకోకు. నా మనసులో అసలు లేదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని. ఇదంతా అమ్మ వెళ్ళే జరిగింది. అమ్మే నాకు చెప్పింది నువ్వు ఇక్కడ సంతోషంగా లేవని. అందుకే అనుకున్నాను నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక సంతోషంగా ఉంటావని. అంతే. మజాక్ ఉడారే మేరా? పదే నా ముజే తెలుగు నే ఆతి. పల్లవి పల్లవి! ये फरहाद भी ना, ये क्या भूल भूल का डायलॉग लिख के दिया है? भूल साला फूल, ये चांस भी चले गया। रॉकी मैं पुलिस स्टेशन ही आ रही थी, लेकिन तुमने मुझे अचानक फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? रिलैक्स कीर्ति, रिलैक्स, बैठो पहले। रॉकी सिनी का कुछ पता चला क्या? सनी का फोन है? मतलब वो लड़का सनी नहीं था। थैंक गॉड वो सनी नहीं था। लेकिन सनी है कहाँ पर? पता नहीं कहाँ गया लड़का, सब कुछ छोड़ के चला गया। किसी इमरजेंसी के लिए गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने ना वो ट्रैवल एजेंसी से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा कि सनी आहूजा के नाम से कोई भी फ्लाइट या ट्रेन की बुकिंग नहीं हुई है। हो सकता है बस से गया हो या प्राइवेट टैक्सी ले ली हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसे ऐसा अचानक जाना पड़ा? उसका नाम सनी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे रातों रात लॉटरी तो नहीं लगी होगी ना कि वो सब कुछ लेकर क्या बोल रही हूँ मैं, सनी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चौकी मुझे सनी पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं चलती हूँ, अगर सनी के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बताना। रॉकी तुम्हारे पास उसके पेरेंट्स का नंबर होगा ना? वो शायद वहां गया होगा। वो उनके पास कभी नहीं जाएगा। हाँ निधि के पास जा सकता है। निधि? ये निधि कौन है? सनी की कजन निधि, वो दोनों बहुत क्लोज है। सनी की कोई कजिन भी है निधि? और अब वो गोलगप्पे के जैसा मुंह फुला के बैठा है। मैं सब ट्राई किया पर मान ही नहीं रहा है। देखो पल्लवी दीदी को ना गुस्सा इजीली आता नहीं, पर अगर आ गया ना तो उन्हें मनाना मतलब पहाड़ खिसकाना। मैं राघव राव है, कुछ भी कर सकता है, बोलो क्या करना है। वैसे एक तरीका है लेकिन मुझे लगता नहीं तुमसे हो पाएगा। जस्ट से इट, आई प्रॉमिस मैं करेगा। पुराने बॉलीवुड गाने सुनते हो? वो कौन सुनता है? रहने दीजिए काका, मुझे नहीं लगता आप जो कह रहे हैं ये राघव राव से हो पाएगा। राघव राव ने चैलेंज शेयर को। ओए एटीट्यूड राव, सबसे पहले ना अपनी राघव राव की पिपुड़ी बजाना बंद करो, और जो मैं कह रहा हूँ ना उसके लिए अपना ये एटीट्यूड डब्बे में बंद करके जब तक पल्लवी नहीं मानती तब तक चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बिंदी का गुलाम कोशिश कर रहा है पर करना क्या है? बॉलीवुड स्टाइल में पल्लवी को मनाना पड़ेगा। मतलब गाना 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 पड़ेगा। गाना? और मैं? हाँ। मैं गाना गाएगा तो नेबर वाले लोग चप्पल लेके मेरे पीछे भागेंगे, जिसमें सबसे पहले वो सारी का दुकान होगा। ये इसका कॉन्फिडेंस। पर ट्राई तो करो, मैं सिखा दूँ। सारी का असिस्टेंट गाना गाना है, हलवा ने बनाना है जो तुम सिखा देगा। सूर का एस भी नहीं है मेरे पास और ऊपर से हिंदी गाना। तुम मेरे से म्यूजिक का ऐसा इंसल्ट करवाएगा कि गवर्नमेंट मेरा सिटीजनशिप कैंसिल कर देगा। और कहता है मैं राघव राव ये गाना नहीं गा सकता। देखो तुम टेंशन मत करो, तुम सिर्फ लिरिक्स याद करो।
कैरियोके का बंदोबस्त मैं कर दूंगा तो फिर सुरताल की टेंशन होगी नहीं। आज डिनर नंतर कैरियोके सेशन करूया। हाँ? क्या? आज डिनर के बाद कैरियोके सेशन करेंगे। बहुत अच्छा लगा जो आप घर पर आए। पल्लवी के घर से पहली बार हमारे घर में कोई डिनर करने आया। अरे जया जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिनों में पूरा देशमुख परिवार आएगा यहाँ पर खाना खाने के लिए। आंटी वैसे कीर्ति कहाँ है? वो उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, अपने कमरे में, मैंने खाना भिजवा दिया है वहीं। ओके अम्मा मेरा खाना हो गया और मेरा सर भी दर्द कर रहा है, मैं चलती हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ये बहुत पुराने गाना है ना। हाँ मैं और काका अक्सर ऐसे ही बात करते हैं गानों में। मेरे को भी बहुत पसंद है पुराना गाना। आप ही सुनते हो? हाँ मतलब सब नहीं लेकिन किशोर कुमार, लता मंगेशकर ये सब सुनता है मैं। बस तो फिर मेरी स्पेशल फिल्टर कॉफी के साथ पुराने गानों की एक महफिल हो जाए। हो जाए हो जाए। ठीक है हाँ हो जाए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे हो। वाह काका वाह। थैंक यू बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ। पल्लवी रुको ना, तुमसे कुछ कहना है। पर मुझे नहीं सुनना। दीदी सुन लो ना प्लीज, वो गाकर कहने वाले हैं। ये गाना गाएगा फिर भी मुझे नहीं सुनना क्योंकि मुझे तेलुगु गाने समझ नहीं आते। इसीलिए तो उन्होंने हिंदी गाना प्रिपेयर किया है। क्या? हाँ। राघव हिंदी गाने गाएगा? रहने दे कृष्णा, इससे नहीं हो पाएगा। काका पल्लवी रुक जा ना, अगर वो कह रहा है तो थोड़ी देर रुक जा। तुझे पता है मेरे पास ना ट्रैक भी है। प्लीज ओके। पल्लवी मैं तुमको सिर्फ खुश देखना चाहता है इसलिए वो सब बोला, तुमको हर्ट नहीं करना चाहता है पल्लवी। पर अब जब मेरे से गलती हो गया है तो उसको मैं ही सुधारेगा। तुम अरे लाइट चला गया। मुरली जनरेटर चलाना। कृष्णा देखो भाई कैंडल है। हाँ शायद तुम्हारी बातों में वो सच्चाई नहीं, इसलिए भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। अब भगवान ही साइन दे रहे हैं कि मैं ना सुनूं तो मैं नहीं सुनूंगी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से
लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले, कहाँ के लिए, ये खबर नहीं थी। मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला, वही तुम मिलोगे कि हम तक तुम्हारी दुआ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या ये आंखें बिछा लूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना। बहुत शुक्रिया। कृष्णा, अच्छा हुआ सब लोग सो गए, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं पल्लवी के यहाँ गया था। कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? पल्लवी के घर गए थे ना? हाँ गया था, आगे भी जाऊंगा, हजार बार जाऊंगा। वहां जाके गाना गाऊंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, राघव और पल्लवी के बीच की दूरियां, उनके बीच का झगड़ा मिटाने के लिए कोशिश भी करूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, करेंगे वो। दादा वो मैं अब समझ आया मुझे क्यों वो लड़की इतने ताव में कहकर गई थी कि इस घर में शारदा और काका उसके अपने हैं। दादा एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए मिलिंद, मगर तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। देवी के साथ रहना मेरी मजबूरी है और भाई के साथ रहना मेरी मर्जी है। देशमुख हाउस अब भी मेरे नाम पर है, जब चाहो तुझे और तेरे परिवार को
धक्के मार के निकाल सकता हूं मैं। इसलिए अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना मिलिंद। दादा लेकिन तुमको सिर्फ खुश देखना चाहता है, इसलिए वो सब बोला। तुमको हर्ट नहीं करना चाहता पल्लवी, पर अब जब मेरे से गलती हो गया तो उसको मैं ही सुधारेगा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। मेरे बारे में सोच रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों सोचूंगी तुम्हारे बारे में? आज तक तुमको कोई इतना फिल्मी स्टाइल में मनाया है? नहीं ना, फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा स्पेस में डिजर्व करता है ना? प्लीज हाँ, इतना अच्छा भी नहीं था। ओके ओके था। ओके ओके था? अरे मैंने इतना मेहनत किया उसको अप्रिशिएट करना ना। मैं पहली बार ऐसा गाना सुन के रट्टा मार रहा है। क्या तुमने पहली बार वो गाना सुना था? हाँ, ऐसा पुराना हिंदी गाने नहीं सुनता है मैं, सिर्फ अल्ट्रा मॉडर्न फेमस सॉन्ग सुनता है मैं। बप्पा, तुमने हिंदी गाने नहीं सुने? कितने इंपॉर्टेंट होते हो हमारे लिए, के लिए तुम्हें पता है? कितना मोटिवेट करते हैं हमें। मैं तो बप्पा को भी आरती की जगह हिंदी गाने ही सुनाती हूँ। हिंदी गाना सुनाते है तुम? कैसा? दूर आ गए हम आ गए, वैसा ही। तुम जैसा फिल्मी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। और तुमसे ज्यादा बोरिंग इंसान नहीं देखा मैंने। मतलब मेरे पति को क्लास से हिंदी सॉन्ग्स नहीं आते, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा शौक है। मन कर रहा है इस पूल में डूब के जान ही दे दूं। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह से मेरा पति सुन के अच्छा लगा, अपनेपन का फीलिंग आया। कीर्ति, क्या हुआ कीर्ति, तुम ठीक हो? नहीं पल्लवी, मैं ठीक नहीं हूँ। इतनी देर से सनी गायब है, वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। पास में एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस को लगा कि वो सनी है, लेकिन थैंक गॉड वो मेरा सनी नहीं था। तुम दोनों को आइडिया भी नहीं है मेरी क्या हालत हो रही होगी। वो दो घंटे मुझ पे क्या बीती होगी। कीर्ति देखो, चुप, बिल्कुल चुप राघव, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। राघव, मुझे ना, मुझे बस सच जाता है, तुमने सनी के साथ क्या किया। कीर्ति एक बार मुझे तुम दोनों से कुछ और नहीं सुनना है, मुझे सच जाना है। राघव, तुमने क्या किया सनी के साथ, तुमने उसे मार डाला? तुम किस हद तक जा सकते हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है राघव। मुझे मार के भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो राघव, तुम मुझे भी मार डालो ताकि मैं अपने सनी के पास चली जाऊंगी। राघव तुम मुझे मारो, मुझे मारो राघव, मुझे मारो, मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। क्या करो?
बैठे यहाँ पे। अरे राघव, मुझे सच जानना, मेरा सनी कहाँ पर है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राघव, प्लीज मुझे सच बताओ, प्लीज। कीर्ति शांत, शांत कीर्ति। आई एम श्योर सनी जहाँ भी होगा ठीक होगा। मैं खुद कल उसे सुबह ढूंढने जाऊंगी। पांच करोड़ के लिए थैंक यू राघव राव, लेकिन अब मेरी 10 करोड़ की एंट्री देखना। हारने के लिए तैयार हो जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।